होंगे, आपको पूरा लैपटॉप का एक एक्सपर्ट बना देंगे, हार्ड डिस्क खोल के कंप्यूटर लैपटॉप पूरा खोल के आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। वो मुझे दिखाएं, 4 GB है दोस्तों, 250 हार्ड डिस्क के, और 100% पेमेंट हम रिफंड करते हैं। और शरीफ ये कहती है कि मुसलमान ताजर जो ना अपना जो फरोख्त किया हुआ माल जो है वो खंदा पे, मतलब ये हैंडी लैपटॉप है, थोड़ा सा जो ना लाइट वेट के अंदर, अच्छा जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। हाँ, 6th generation की मशीन है हमारे पास, i3 की। हाँ सही है। तो इसमें 8 GB रैम है, 256 SSD है, 15.6 जी जी। अच्छा, ये एक चीज़ तो ऐसी है कि खैर हर दुकानदार इसको जो ना अलाउ नहीं करता। प्राइस बाकी से दोस्तों, मुझे जो ये जापानी कंपनी बता रहे हैं इब्राहिम भाई, इनसे मुझे बाकी लैपटॉप से अब 1, 2, 3 गो। हाँ, मगर इसमें SSD के फर्क इतना है कि दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी स्टार्ट फुल नहीं हुई, मगर ये स्टार्ट है फुल। कस्टमर पूछता है कि आपकी क्या वारंटी, हमने कहते हैं सर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हमारी वारंटी ठीक हो गया। तो 14 इंच डिस्प्ले के अंदर सेम फीचर्स है, लेकिन 14 इंच डिस्प्ले ठीक है, वही लिथियम बैटरी वगैरह सब कुछ है HP का। तो ये देख सकते हैं SSD जो है दोनों का, चाइना वाली जो लोकल है, चाइना वाली है ना ये। अगर एक कस्टमर ले जाके 3 साल यूज करके दोबारा वापस ला के किसी दुकानदार को बेचे और वो लैपटॉप आपको मिल जाए, उसकी तो लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल, इधर देखा 320 GB जो ना हार्ड ड्राइव होगी, 28,000 रुपए का जी। 28 का तो खैर फिगर है, चमक रही है, चमक रही है, मतलब निशानी है कि लैपटॉप सही है। ये लैपटॉप बाहर का चला हुआ है ठीक है। ओवरऑल में बैटरीज होती है जी, तो वो उसकी कोई आप लाइफ गारंटी देते हैं? ये नीचे कोई और स्टिकर था, अच्छा, और इसके ऊपर जो ना ये स्टिकर दूसरा लगा के इसको HP बना दिया गया। ये केबल ये देंगे, कोई स्टिकर लगा दिया अपना, कागज का स्टिकर लगा दिया बना के, ये अच्छा ये कागज का स्टिकर। अब मैं इसके साथ की आपको मैं ओरिजिनल एड्रेस दिखाता हूँ, जैसे 4th generation की मशीन है। अच्छा, ये लेना वो की सही है, सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे मौजूद सही है। और अगर अंदर की बैटरी ना हुई हाँ। तो फिर उसमें जो एडिशनल ऑप्शन होता है कि ये हम जो ना 9 माउस से घुमा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल माउस से घुमा रहा हूँ तो आगे जो ना वो चल रहा है ठीक है। ये कितने की जैसा सर? ये बिल्कुल न्यू जैसा, ये लिथियम बैटरी इतनी बड़ी लगी हुई, इसके डेल की ओरिजिनल, मैं सीधा करके दिखा देता हूँ, लेता है ठीक हो गया। इसकी सर्विस आप खुद कर सकते हैं, ये देखें, ये इसका फ्लैप होता है, ये खोलें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूअर्स, मैं हूं आगा जफर और आप देख रहे हैं मेरा हम 360 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज प्लाजा सदर में, यहां आने का लैपटॉप की मार्केट है। यहां आने का मेरा रीज़न ये है कि आज जो वीडियो होने वाली है ये आपको कंप्यूटर्स के रेट्स वगैरह ये तो अपडेट होगी लैपटॉप्स कितने का है क्या है उसमें, मगर आपको बता दूँ यहाँ के जो ओनर हैं इब्राहिम साहब, वो आज हमारे साथ होंगे, आपको पूरा लैपटॉप का एक एक्सपर्ट बना देंगे, हार्ड डिस्क खोल के कंप्यूटर लैपटॉप पूरा खोल के आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वो कौन सी लेनी चाहिए, न्यू बिगनर्स जो है लैपटॉप पे आते हैं उनको क्या चीज़ करनी चाहिए। इस टाइम इतना सारा प्राइजेस सब चीज़ हार्डवेयर पूरा आपको समझो कि एक किस्म का सीख जाएंगे आप, एक्सपर्ट बन जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो हमेशा की तरह आपको कहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि मेरा चैनल यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें, और मेरे वो दोस्त जो फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं वो फॉलो करें ताकि आपको आइंदा आने वाली मेरी वीडियोस टाइम पे मिल सकते हैं। तो आएँ फिर बगैर टाइम ज़ाया किए सीन करते हैं ऑन। तो अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हाल है जनाब, खैरियत है, ठीक ठाक है? तो हमारे व्यूअर्स को जो ये लैपटॉप के बारे में आज कहाँ खड़े हैं क्या है थोड़ा सा इंट्रो दें अपना। और सबसे पहले तो मैं इसमें जो ना आपको मैं चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ ये कि हमारी जो भी प्रोडक्ट जाती है उसमें हम लोग ना इस पर शरिया कानून हम 100% रिफंड वारंटी देते हैं। अगर किसी को चीज़ समझ ना आए, पसंद ना आए, किसी ने उसको कह दिया कि यार आप गलत चीज़ लेके आ गए हो, महंगी चीज़ लेके आ गए हो, वट एवर आपको कोई भी इशू है तो कोई भी मसला नहीं है सर। आपने विदिन 3 डेज जो ना आपने हमारी प्रोडक्ट आपको रिटर्न करनी है, जिस कंडीशन में दी थी उसी कंडीशन में रिटर्न करनी है, और 100% पेमेंट हम रिफंड करते हैं। और शरीफ ये कहती है कि मुसलमान ताजर जो ना अपना जो फरोख्त किया हुआ माल जो है वो खंदा पेशानी के साथ वापस ले तो सर उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए कोई ऐसा मामला हो जाए। बहरहाल ये है कि हम किसी कस्टमर को हम फंसा नहीं देते, उनको हतुल इम्कान तक हमारी सपोर्ट होती है। और हमारी तो ये बातों का हमसे कस्टमर पूछता है कि आपकी क्या वारंटी, हमने कहते हैं सर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हमारी वारंटी करो। अच्छा, ऑनलाइन क्या स्टेटस है सर? ऑनलाइन का थोड़ा सा हमारा एक इशू ये है कि हमारे कंज्यूमर जो कहते हैं COD के मामला कहते हैं, क्योंकि मसला ये है कि मैं COD पे करता नहीं हूँ काम। अब जो हमारा कंफर्म कस्टमर होता है वो सबसे पहले जो ना मुझे 100% पेमेंट जो है वो अकाउंट में लगाता है, और उसके बाद ना मैं चीज़ यहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर डिस्पैच करता हूँ पूरा प्रॉपर चेक करने के बाद। हाँ, ये मेरा जो आप मुझे सर कमिटमेंट है, एक वादा है, खुदा ना खासा उनको चीज़ समझ ना पसंद ना है तो मैं जो ना उनको रकम जो ना रिफंड करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हुआ भी है, अगर कोई इस बारे में जो ना कोई मालूम लेना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं उनको वो वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने रिफंड किया हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि कराची के लिए तो आपने 3 दिन दिए थे कि रिफंड पैसे रिफंड हो जाएंगे, आउट ऑफ सिटी क्या है? इंटर सिटी के लिए हम लोग 7 दिन का टाइम देते हैं। अच्छा, 7 दिन में 100% रिफंड वारंटी हमारी और 20 डेज की जो है चेकिंग वारंटी। ठीक हो गया। यहाँ हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग जो है यहाँ पे नास प्लाजा में, मेजिना रोड पे, कराची में, सदर में, सदर में। और मेरी शॉप नंबर है G171,
और गेट नंबर हमारा 4 है। ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप नंबर दें अपना जिस पे आप ऑनलाइन हो। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-227-0045। तो इब्राहिम भाई बगैर टाइम ज़ाया किए दोस्तों फिर आगे चढ़ते हैं और दोस्तों को बताते हैं, व्यूअर्स आप स्टे विद अस एंड तक जुड़े रहे। जी इब्राहिम भाई कहाँ से शुरू करें? सर ठीक हो, मतलब देखें जैसे ये 6th generation की मशीन है हमारे पास i3 की। हाँ सही है। तो इसमें 8GB रैम है, 256 SSD है, 15.6 इसकी डिस्प्ले है। ठीक हो गया, ठीक है ना। बैटरी भी इसकी अच्छी ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है। 50,000 नहीं, हाँ ये इसकी प्राइस है 50,000, लेकिन इसमें हमारी नेगोशिएशन होती है। अच्छा, हम कुछ इसमें कमी पेशी हो जाएगी। अच्छा ये i3 है, 6th generation है। इस तरीके से ये जो ना आपका i5 की जो ना वो 3rd generation है, डेल की मशीन है, 500GB के साथ है। ठीक है, ये वाली जो ना 2nd generation की 500GB 320GB और 4GB के साथ है। ठीक हो गया, तो इसी 27,000 रुपये। जी जी ठीक है। और इसी तरीके से जो ना ये ऊपर जो ना HP की मशीन है, देखें आप ये वाली। जी ये i5 3rd generation की मशीन है और ये मतलब अपने दौर की ना कामयाब तरीन जिसको मशीन कहते हैं i5। जी मैं आपको एक मशीन दिखा देता हूँ। जी जी ये देखें इसकी इंटरनल कंडीशन देखें आप, जबरदस्त नई जैसी है। हाँ, अब इसमें रैम आर्टेप लगी भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कितनी इसमें देंगे रैम? इसमें 4GB सिंगल रैम होगी। अच्छा, और इसमें जो ना आपकी इधर दिखाई 320GB जो ना हार्ड ड्राइव होगी 28,000 रुपये का। जी 28 का तो खैर फिगर है, लेकिन इसमें ऐसे कमी पेशी तो हो जाएगी। जी बिल्कुल है, कमी पेशी। ठीक हो गया, बहुत सारी दोस्तों को क्वान्टिटी है इब्राहिम भाई, फर्स्ट आप आए तो यहाँ पे देखें। ये देखें बहुत सारी वरायटी है। ये मतलब ये हैंडी लैपटॉप है, थोड़ा सा जो ना लाइट वेट के अंदर। अच्छा, जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खासकर बड़ा ठीक है, ये रेफर किया जाता है। इसकी प्राइस में भी कमी पेशी होगी? जी कमी पेशी है, इसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड के साथ ही है। अच्छा, ये देखें i5 की 6th generation की मशीन है। अच्छा, और इसको भी अंदर से मैं खोल के दिखाऊंगा, अभी स्क्रू लगे हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर इसकी? जो ना ये 8GB रैम है, DDR4 256 जिसमें SSD लगी हुई है। अच्छा, और फुल HD स्क्रीन 1920x1080p। सही, और बैकलिट कीबोर्ड है, लिथियम बैटरी के साथ ही स्पेशली लिथियम बैटरी आप लोग को जरा। कंडीशन साफ सुथरी है सर? बिल्कुल सर, नई जैसी कंडीशन है। तो ये देखें इसमें फिर अगर ये 12.5 इंच के बाद हम ये इसमें 14 इंच में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये 14 इंच डिस्प्ले के अंदर सेम फीचर्स है, लेकिन 14 इंच डिस्प्ले ठीक है, वही लिथियम बैटरी वगैरह सब कुछ है HP का। जी, और 8GB और 256। जी जी, ये कितने का? ये 53। और इसमें कमी पेशी जो आएंगे पहले दोस्तों आ सकते हैं आप, और इब्राहिम भाई से आप कमी पेशी करवा सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी मुनासिब होगी वो कर लेंगे, यही ना भाई? जी जी ठीक हो गया। अच्छा, और ये देखिए फुजित्सु। अच्छा, ये फुजित्सु जो नहीं, ये जापानीज वेरियंट है। अच्छा, तो आपको पता है जापान कोई भी चीज़ बनाता है ना तो बहुत एक टेक्नोलॉजी का, जिसको मैं कहता हूँ ना किंग। सही बात, तो जो भी टेक्नोलॉजी जो ना इन्वेंट होती है, सही है। वो सबसे तो पहले प्राइस तो बहुत कम लग रही है मुझे बाकी से। सर बस ये बात है कि मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। एक दिखा दे एक हवाले से प्राइस की भी, जो इसकी कंडीशन है बिल्कुल मेन कंडीशन है। असल में लैपटॉप जो ना नीचे से पहचाना जाता है बिल्कुल, अगर ऊपर तो खैर इसकी जो लेप आता है पॉलिश वॉलिश सब हो जाती है, लेकिन नीचे जो निशानात वगैरह होते हैं ना वो कभी नहीं खत्म हो सकते। खोलें जरा इसको। अच्छा, इसमें एक फीचर बता दूँ, एक्स्ट्रा फीचर इसका सही, जो कि बाकी लैपटॉप में आपको मिलता ही नहीं है। अच्छा, फुजित्सु में खासकर जो ना देते हैं, आप जरा देखें नोटिस पढ़ें, ये जो ना इसमें ये एक फिल्टर की जगह होती है। अच्छा, कि आपका अमूमन जब हम लैपटॉप को जो है ना सर्विस के लिए जो ना वो लेके जाते हैं, तो 1500 रुपये और 1500 या 2000 रुपये जो ना वो आपसे जो ना वो रिपेयरिंग वाला सर्विस के पैसे लेता है। ठीक हो गया, इसकी सर्विस आप खुद कर सकते हैं। ये देखें ये इसका फ्लैप होता है, ये खोलें। अच्छा, फ्लैप खोलने के बाद इसके अंदर जो ना हीट सिंक आ गई, अभी भी हल्की सी आपको डस्ट नजर आ रही होगी इसमें चलने का। हाँ सही, तो आप किसी भी ब्रश की मदद से और कुछ ना तो फूंक मार दें इसको, अभी नहीं भूख मारा, ये देखें क्लियर हो गया सब, साफ हो गया। तो आपको ये लैपटॉप जो ना किसी रिपेयरिंग वाले के पास ले जाने की जरूरत नहीं है कि उसको। अच्छा, आप बोलो कि यार इसको सर्विस करनी है, आपने खाली कवर खोलना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, मैं बात पूरी कर दूं। हमने इसकी बनिस्बत दूसरा कोई भी लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ता है। बिल्कुल, पूरा लैपटॉप कीबोर्ड खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, फिर जाके वो सफाई होती है। सही बात है। इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिखाएं, 4GB है दोस्तों, 250 हार्ड डिस्क है, और अच्छा इसमें बंदा ऊपर करवा सकता है, इसमें चीज़ें तो वही ऐड हो जाएंगी। आप SSD लगा सकते हैं इसमें हार्ड ड्राइव बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, जो चाहे वो हो जाएगा। ये दोस्तों 28,000 का है। दूसरी चीज़ ये दिखाएं मैं आपको, ये आप एक और चीज़ बताता हूँ, ये इसको ज़रा फोकस कीजिएगा इसके रेट्स को। ये जो ना इंटेल प्रोसेसर है। अच्छा, क्वाड कोर, सही है, 4 core 4 CPUs है। सही है, और फुल HD कैम इसके अंदर लगा, 4GB रैम है इसमें, 128 SSD लगी हुई है। ठीक है, M2 की भी इसमें पोर्ट लगी हुई है, जो M2 ये वाली हार्ड ड्राइव होते हैं SSD। अच्छा, ये वाली M2 SSD होती है, लेटेस्ट फॉर्मेट होता है इसका ना हार्ड ड्राइव का। अच्छा ठीक है ना, ये हार्ड ड्राइव जो ना ये इसमें लगने का ऑप्शन भी है। ठीक है, साइज क्या है इसकी? टच स्क्रीन है मेन चीज़ है। अच्छा, उसको छोड़ें आप, ये देंगे सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ चेक करवाता हूँ।
ये देखिए, ये इसके अंदर अभी गेम रन हो रहा है। अच्छा, मैंने GTA 5 गेम रन कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ज़बरदस्त चल रहा है। इसकी आवाज़ मैंने बंद की थी दोस्तों, देख सकते हैं ये गेम बड़ा फास्ट चल रहा है। ये देखिए ये साइज़ क्या है इसकी स्क्रीन की? सर 11.6 इंच है, बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का साइज़ है। अच्छा, ठीक है ना, इसी साइज़ में जो ना आपको हैंडी मतलब वो लैपटॉप है। ये देखिए, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, आपको ये ना कह के रिकॉर्डिंग चलेगी, माउस से घुमा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, माउस से घुमा रहा हूँ। हाँ। तो आगे जो ना वो चल रहा है, ठीक तो है। ये कितने की? सर ये 25 की हमारे इसकी डिमांड है। अच्छा, और बाकी जो है कि इसमें हम लोग गुंजाइश कर लेते हैं। मेन चीज़ ये मैं आपको खुला हुआ है, इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें आप, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें जरा आप, ज़बरदस्त। ये तो नई जैसा सर, ये बिल्कुल न्यू जैसा। ये लिथियम बैटरी इतनी बड़ी लगी हुई इसके अंदर, डेल की ओरिजिनल। मैं सीधा करके दिखा देता हूँ, सही है, करके देखना कि फोकस आ गया सही। और ये ओरिजिनल SSD लगी हुई है, सही, ठीक है ना। ये ब्रांडेड SSD है 256 जी, सही हो गया, ठीक है ना। और ये सिंगल रैम लगी हुई है, M2 की ये पोर्ट, SSD लिखा भी है देखें यहाँ पे, ज़बरदस्त 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 बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। जो मैं ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो साथ में जो ना, मैं लेनोवो का मैं बहुत बड़ा सर शेदाई हूँ। अच्छा, लेनोवो सर मैं बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि रेकमेंड करता हूँ। किस चीज़ में रेकमेंड करते हैं सर? इसमें जो ना दो तीन फीचर्स हैं। लेनोवो एक वाइट लैपटॉप है जो कंज्यूमर्स को ना ड्यूल बैटरी देता है। अच्छा, लिथियम बैटरी होती है। अच्छा, ड्यूल बैटरी लगती है एक साथ ही? जी जी, दो बैटरियाँ लगी होती हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये देखिए आप। अच्छा, ये रेकमेंड करते हैं आप? ये मैं बहुत, ये कौन सी जनरेशन है इसमें? खैर ये जो ना लिथियम बैटरी 4th generation से स्टार्ट है, डबल बैटरी। अच्छा, ठीक है ना, सही हो गया। एक बैटरी ये लगी हुई है। अच्छा, मतलब एक बैकअप पे होती है एक ये बैटरी आपके? सही है, ठीक है ना जी। ये देखें सर, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है इसमें, ये वाली। अच्छा, ये दूसरी कनेक्टर बैटरी, एक बैटरी ये है जो ऊपर से लगती है, एक नीचे। ये दो लिथियम बैटरियां इसमें होती है। अच्छा भाई, इसमें जो बैटरीज आप तमाम ओवरऑल में बैटरीज होती हैं तो वो उसकी कोई आप लाइफ गारंटी देते हैं कि ये कितने घंटे चलेगी, कितने घंटे वो चलती है? देखिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो वारंटी होती है ना वो 2 घंटा प्लस की होती है। नॉर्मल लैपटॉप की जो लियोन सेल वाले होते हैं और जो यानी कि जो लिथियम बैटरी होती है इसके हम 3 आवर्स की बैकअप देते हैं। अच्छा जी, ये देख रहे हैं भाई, ये जैसे 4th generation की मशीन है। अच्छा, ये लेनोवो की, सही है, सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे मौजूद है। लिथियम बैटरी के साथ ये मशीन होती है, ठीक है। तो मैंने वही पहले अभी इससे पहले जो बताया कि अगर ये 9 सेल बैटरी होगी तो सिंगल बैटरी देते हैं, ठीक है, और अगर ये नॉर्मल बैटरी होगी तो फिर हम ड्यूल बैटरी देते हैं, ठीक है। 4th generation कहलाता है जी, 4th generation है, ठीक है। ये कौन सी बताया कंपनी जी? कौन सी? ये लेनोवो का जी, लेनोवो का, ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इब्राहिम, सही है, ये क्वालिटी साइज क्या है इसका बताया था? इसका 12.5 इंच। 12.5। अच्छा इब्राहिम भाई, मुझे ये बताएं जो नए हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अगर वो लैपटॉप लेना चाहते हैं, बच्चियां हैं हमारी कोई है, तो उनके लिए कोई टिप्स दें कि क्या चीज़ कैसे देखें, क्या हो, वो थोड़ा सा बताएं मुझे। देखें, सबसे पहले ना आप लैपटॉप जो सेलेक्ट करते हैं ना, हाँ, तो उसके जो गैलोनाइजिंग होती है ना पोर्ट्स की। अच्छा, जैसे ये देखें आप, ये इसकी पोर्ट की गैलोनाइजिंग जो ना आपको बिल्कुल ये फ्रेश होनी चाहिए। अच्छा, ये देखें गैलोनाइजिंग जिसका जो कुरम है इसका, जो लोहे की पट्टी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। अच्छा, अगर यही लैपटॉप जब लोकल चल जाता है तो हमें आपको लोकल ज्यादा मतलब जी, ये देखें सर, ये आप देख रहे हैं डस्ट भरी नजर आ रही है आपको ये? अच्छा, ये जो जंग लगता है यहाँ से पहचान करें? हाँ, यहाँ से इनिशियली तो ये से यहाँ से पता लगता है पोर्ट से। फिर दूसरा इसकी देखें ना बैक साइड पे जो कवर है इसके, इस पे निशाना आपको बरमार मिलेगी निशानों के, देखें कितने सारे स्क्रेचेज हैं ये, ठीक। ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये बंदा देखे नया अगर कोई ले मेरा, हाँ, तो ये लोकल चला हुआ लैपटॉप होता है। अच्छा, ये देखें, यहाँ भी देखें जंग नजर आ रहा है आपको, मतलब पाकिस्तान में यहाँ यूज्ड है ये जी, यूज हो जाता है तो फिर इसकी ये हालत हो जाती है, ठीक हो। असल में इशू ये है कि ये जो लैपटॉप डिजाइन होता है ना, ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है 3 साल की, ठीक हो। एक साल ये बाहर चल गया वहाँ से आया, तो 2 साल इसने अच्छे तरीके से चलना है, ठीक है। अगर एक कस्टमर ले जाके 3 साल यूज करके दोबारा वापस ला के किसी दुकानदार को बेचे और वो लैपटॉप आपको मिल जाए, उसकी तो लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल, 6 महीने चले, 4 महीने चले, आपको परेशान अपने उससे करना है। सही, सबसे पहले अच्छा ये एक चीज तो ऐसी है कि खैर हर दुकानदार इसको जो ना अलाउ नहीं करता, लेकिन जो है एक एक ये निशानी होती है, ये देखें ये बाहर का चला हुआ लैपटॉप होता है ना, इसके बाद क्या है पहले ये बताएं भाई, कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपने निकाला हुआ है, मैंने निकाल के ये नीचे से जो ना इसको दिखाया, ये देखें डस्ट वगैरह कुछ नहीं है, सही हो गया। इट मींस कि ये जो ना इंपोर्ट का माल है, लोकल चला हुआ नहीं, मतलब बाहर का चला हुआ। लोकल चलने के बाद ये कीबोर्ड के इन बटनों के जरिए से जो अंदर डस्ट गिरती है, तो डस्ट गिरने के बाद देखें कितनी मिट्टी जम गई यहाँ पे,
मगर इब्राहिम भाई अंदर तो कोई नहीं दिखेगा ना। नहीं, अगर कोई खोल के दिखा दे दुकानदार, अगर जैसे बंदा कहीं और से ले रहा है, मगर वो जो पहले आपने बताया कि जो पोर्ट है उनमें जंग लगा हुआ दिखाया, तो वो तो समझ में आता है ये अंदर होगा, ये मेरे ख्याल नहीं बिल्कुल होगा। लेकिन अगर ये तो आपकी ईमानदारी है कि आप इतना डीप में जाके कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर बेचारे को क्या बात करो, कोई कस्टमर कहेगा कि हमें खोल के दिखा दो, हम उसको खोल के दिखाने के लिए। इसके अलावा चार्जर को देखा जाता है, ये हमारे यहाँ जो ना ये चार्जर भी चलते हैं। मैं दोबारा कहूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ये चार्जर चलते नहीं है, लेकिन सर ये ओरिजिनल का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, ओरिजिनल कौन से हैं? ये देखें, ये नीचे कोई और स्टिकर था। अच्छा, और इसके ऊपर जो है ये स्टिकर दूसरा लगा के इसको एचपी बना दिया गया। ये केबल बाद में लगी आफ्टर मार्केट। अच्छा, और इसमें ये देंगे रबड़ देंगे इसकी आप। दो नंबर ही है इसमें। हाँ, तो ये खैर चलते तो ये भी है। हाँ, लेकिन ये नए करके नहीं दूसरे रेट आई है ना, तो सर ये सारी चीजें भी तो है ना। ठीक है, ये देखें, अब ये ओरिजिनल एचपी का चार्जर है। ठीक है, इसकी आप देखें, इसकी वायर की क्वालिटी देखें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप इसको देखें, ये देखें हार्ड बिल्कुल पायदार। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें और इसमें फर्क जो बता रहे हैं इब्राहिम भाई, मगर वो लोकल दोनों एक करके बेचते हैं, वो ओरिजिनल इब्राहिम भाई पास। इसके लिए थोड़े से रेट में आपको फर्क मिलेगा, मगर चीज में आपको फर्क नहीं मिलेगा। यही है इब्राहिम भाई। हाँ जी, इसी तरीके से जो ना जो मेन आपकी चीज होती है, जहाँ आपका डेटा स्टोर होता है, वो हार्ड ड्राइव होती है। ठीक हो गया। हार्ड ड्राइव को यहाँ से देखना होता है, इसकी देखें कोई ये ब्लैक स्पॉट ना हो, ये जैसे जंग लगा हुआ है। ठीक है, ये ना रस्टिंग जब आती है, जब ये लोकल चल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि ये हार्ड ड्राइव रिपेयर होती है। अच्छा, आपके पास हार्ड ड्राइव भी है? नहीं, हार्ड ड्राइव में अलग से तो हम खैर एसेसरीज देते नहीं है। अच्छा, लेकिन जो मैं अपने लैपटॉप में जो देता हूँ ना। हाँ, अब ये देखें, ये हार्ड ड्राइव जो ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये 500 GB थी, इसमें जो ना दो हेड थे, एक हेड को डिसेबल करने के बाद दूसरे हेड को इनेबल किया। अच्छा, और इस पे जो ना फिर ये देखें कोई स्टिकर लगा दिया, अपना कागज का स्टिकर लगा दिया बना के। ये अच्छा, कागज का स्टिकर। अब मैं इसके साथ की आपको मैं ओरिजिनल हार्ड ड्राइव दिखाता हूँ। ये मतलब इसमें दो नंबर हुई हुई है, तो सर ये रिस्क पे है ना सर आपका। हाँ, रिस्क पे। आप खुदा ना खासा आपका सही है, मतलब आपका डेटा हुआ। ठीक है, उड़ जाएगा साहब है, कोई आपके जो ना घर की तस्वीरें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो तो गया। हाँ, अगर ये रिकवर भी ना हुआ तो फिर आप क्या करोगे, मुझे बताओ। ठीक बात है। अच्छा, अब ये देखें, ये ओरिजिनल हार्ड ड्राइव है, शक्ल से आपको नजर आ रही होगी। इसका जो ये स्टिकर जो है ना, पीवीसी स्टिकर, ये बहुत आसानी से उठ ही नहीं सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाखून इसको जो उठा नहीं पा रहा है, नहीं उठा रहा। और ये जो ना इसके गोल्डन पॉइंट्स नजर आने आपको। सही है, नया बिल्कुल जीरो मीटर, बिल्कुल जैसे जीरो मीटर टाइप। अच्छा, ये तो मैंने आपको हार्ड ड्राइव के बारे में बता दिया। अब ये देखें, ये एसएसडी है, ये मार्केट से इसी तरह की जो अलग अलग मुख्तलिफ नाम की एसएसडी मिलती है। नाम मैंने इसलिए छुपा दिया कि लोग नाराज होंगे मुझसे। ठीक है, तो ये चाइना ब्रांड एसएसडी है, इसको हमने खोला। हाँ, अंदर से सर ये सर्किट निकल रहा है, इतना सर, एक छोटा सा सर्किट है। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो चलती तो ये भी है। हाँ, लोग पसंद भी इसको इसलिए करते हैं कि इसकी वारंटी होती है, आपका कोई मसला हो जाए तो इसकी वारंटी आपको मिल जाती है। ठीक है, मतलब लोग यूज करते हैं, चल रही होती है। ठीक है, लेकिन जो ना अब ये इंटेल की ओरिजिनल एसएसडी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर से आप एनवायरनमेंट देखें, आप बोलेंगे यार ये क्या। सही है, मतलब उसकी भी दिखाई आपने। ओ, ये तो फुल भरा हुआ है बॉक्स पूरा। सर ये पूरा वो साथ में रखें, एक मिनट साथ में दिखाएं दोस्तों। ये देख सकते हैं एसएसडी जो है दोनों का, चाइना वाली जो लोकल है, चाइना वाली है ना ये, चाइना वाली। उसमें वारंटी भी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मगर उसमें ये चिप लगी हुई है बोर्ड उसका। इसका बोर्ड देखें, ओरिजिनल का एंटे का बहुत ज़्यादा बड़ा बोर्ड है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारे पास ये हो तो हम सबसे पहले इसको तरजीह देते हैं, ये देते हैं कस्टमर, मतलब ये प्रेफर कर रहे हैं आप। अगर ये ना हो तो फिर हम ये दे देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, चलती तो ये भी है जी, वैसी बात नहीं, चलती ये भी है, मगर वो देखें दोस्तों, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है। इसके साथ मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि ये 2.5 वाली एसएसडी अगर मैं ना लगाऊं तो मैं कोशिश करता हूँ ये M2 लगाऊं। अब M2 का मामला ऐसा है, ये M2 SSD है। अच्छा, ये सैमसंग की SSD है। ये हार्ड ड्राइव है? जी जी, ये सैमसंग की है, ये देखें मेड इन सैमसंग लिखा हुआ नीचे। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, अब ये इसको लगाएं कैसे? हाँ? इसके लिए जो ना मैं स्पेशली जो ना रैम की तरह है वैसे। जी, रैम की तरह। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं इसके लिए कनेक्टर मंगवाता हूँ, ये इसको फोकस करें। अच्छा, ये देखें, ये कनेक्टर मैं स्पेशली मंगवाता हूँ। अच्छा, और ये कनेक्टर मैं यहाँ पे लगा के इसको, ये देखें आप, मतलब तो उसमें वो हार्ड ड्राइव की तरह है। हाँ, ये इसको यहाँ लगा के तो फिर इसका इंटरफेस जो ना ये इसी तरह हो जाता है हार्ड ड्राइव का, तो ये हम किसी भी मशीन में लगा। अच्छा, ये ज्यादा ज्यादा कितना साइज की होती है? कौन इसमें तो 500 GB आप लगा लो, 500 GB ये जैसे 128 GB है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं आपको जो ना ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये हमारा वो लैपटॉप है जो 28,000 की रेंज का लैपटॉप था। ठीक है, i5 थर्ड जनरेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ आप लेते हैं तो उसकी स्पीड नहीं आती, सीधी सी बात है। इसमें SSD आपको लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो SSD बेसिकली जो ना वो किसी मशीन को स्पीड अप करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। लोगों के हमारे जहन में ये है कि यार ये जो जनरेशन होती है ना, जनरेशन से स्पीड आती है। जनरेशन से जो ना कुछ सॉफ्टवेयर की सपोर्ट का तो मसला हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पिछली जनरेशन पे सपोर्ट ना करें और अगली पे करें, लेकिन जो स्पीड का जो सबसे जो मेन जो मामला होता है ना, वो हार्ड ड्राइव से होता है। अब ये देखें, वो जो हार्ड ड्राइव मैंने दिखाई थी कनेक्टर के थ्रू मैंने यहाँ लगा दी।
ठीक है, वो जो अभी दिखाई है अभी दिखाई दिया SSD M2 ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन इसका पूरे बोर्ड में है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने इसको जो ना कनेक्टर के थ्रू इसमें ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, अब मैं इसको ऑन करूँगा और ये नॉर्मल आर्डर लगी हुई इसी मशीन में सेम, वो जो चाइना से आती है वारंटी नहीं, नहीं ये वाली जो ब्रांडेड हार्ड ड्राइव है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव है। अच्छा, वो SSD है, वो SSD है। SSD और हार्ड ड्राइव में मैं ये समझाऊंगा, फर्क बताना चाहते हैं स्पीड का, यही ना, ठीक है ना। हाँ, और ये जो है ना फिफ्थ जनरेशन की मशीन है, ठीक है, कह देंगे i5 फिफ्थ जनरेशन की, लेकिन इसमें भी नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो आपने दिखाई स्पेशल, सबसे पहले मैं जो ना इन दोनों का एक साथ ऑन करूंगा, कि ये फिफ्थ जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है। मतलब हार्ड ड्राइव इसमें SSD है, ब्रांडेड लगी हुई है, और SSD लगी हुई है, और उसमें लोकल वो लगी हुई है हार्ड ड्राइव, उसमें हार्ड डिस्क। अब दोनों को एक साथ ऑन करता हूँ, आप चेक कीजिएगा। 1, 2, 3 हाँ, इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ स्टॉप वॉच चल रही है, ठीक है। ये देखिए वो जो ना वो उसको चेक करें, वो देखें वो आगे बढ़ गई मशीन, वो आगे बढ़ गई, वो अभी लोगों में गई है जी, ठीक है। उसमें इसका टाइम ये देखें, हाँ ये ऑन स्टॉप कर दिया, नहीं नहीं कितना हुआ टाइम, ये ऑन अभी हो रही है, ये पहले हुई, ये देखें अभी भी ऑन नहीं हुई है, नहीं नहीं हुई, अभी चल रही है, ये ऑन हो गई, ऑन हो चुकी है, ठीक हो गया, ठीक। कितने टाइम में हुआ फर्क पड़ा तकरीबन? ये 40,000 रुपये की मशीन है, अच्छा 35 से 40,000 रुपये की मशीन है, और ये 28,000 रुपये की मशीन है, मगर इसमें SSD के फर्क इतना है कि दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी स्टार्ट फुल नहीं हुई, मगर ये स्टार्ट है फुल, अभी फॉर है, ये अभी यूजर पे आई है, देख सकते हैं। और उसको जब मैंने स्टॉप ऑन होने के बाद जब मैंने इसको स्टॉप किया, तो 15 सेकंड या 14 सेकंड पे ये लॉगिन हो चुकी थी पावर ऑन टाइम के साथ। हालांकि थर्ड जेन है और ये फिफ्थ जेन है, तो इसका मतलब है भाई जेन का जो है ताल्लुक से कोई ताल्लुक से तो कोई ताल्लुक नहीं, सॉफ्टवेयर से हो सकता है, ऐप से। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया कि मेरे जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ना, वो मैं फ्रीक्वेंटली जो ना मैं अपनी कैटलॉग पे उसकी अपडेट देता रहता हूं। कैटलॉग क्या मतलब? कैटलॉग जो ना लोगों को पता नहीं कैटलॉग क्या होता है, अब वो मुझसे जो ना व्हाट्सएप पे रابطہ करके भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कैटलॉग। चलिए देखें, आपने मेरा नंबर सेव किया, ये मेरे बेटे का मोबाइल है, ठीक है। ये मैंने अपना आईडी ये कॉन्टैक्ट खोला, ये कौन है भाई, ये जो आइकन है ना ये वाला, और से देखें ऊपर ये वाला, ठीक है, फोन के साथ, फोन के साथ जो ये कैटलॉग है बेसिकली, इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे फौरन आपके पास ये कैटलॉग व्यू हो जाएगी। अच्छा। अब इसमें जैसे मैंने कैटेगरी की i3 की तमाम मालूमात होंगी, देखें i3। तो दोस्तों आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना और अपने गिदरमा में अजीजों का दोस्तों का बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाजत, अल्लाह।